स्मृति ईरानी इन दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, जिसको देख मुस्लिम कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी इस यात्रा को लेकर खूब हंगामा है, जिस सऊदी अरब में महिला बिना हिजाब के घरों से नहीं निकलती। मदीना और मक्का जाने के लिए भी गैर मुस्लिमों पर कई रुकावटें हैं। वहाँ स्मृति ईरानी को देख उनके तन बदन में आग लगी हुई है। सऊदी अरब के भारत से संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सऊदी में शरिया कानून लागू है। वहाँ के नियम कानून काफ़ी सख्त हैं। ऐसे में पहली बार मदीना शहर में किसी गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधि मंडल के पहुँचने से कट्टर विचारों वाले खुश नहीं हैं, सऊदी प्रिंस को कोस रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी ने अपनी मदीना यात्रा को लेकर एक्स पर लिखा था कि मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की इस्लाम के सबसे पवित्र शहर में से एक है, में पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, उहुद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद की परिधि की यात्रा शामिल है। उनकी इस पोस्ट को देख मुस्लिम कट्टरपंथी आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने सऊदी प्रिंस को कोसना शुरू कर दिया। एक मुस्लिम कट्टरपंथी ने स्मृति ईरानी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि भारत का एक राजनेता मदीना में क्या कर रहा है? बीजेपी राजनेता को हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। पैगंबर ने इस क्षेत्र में मूर्ति की पूजा करने वालों को आने से स्पष्ट रूप से मना किया था। यह शहर केवल मुसलमानों के लिए है और वहां कोई नहीं आ सकता। एक यूजर ने सऊदी के प्रिंस को टैग करते हुए लिखा है कि आप मुशरिकेन को हमारे सेंचुरी की परिधि तक क्यों आने दे रहे हैं? बाकी हिस्सों में आप जितनी चाहे उन्हें प्रगति दे सकते हैं, कर सकते हैं, कर ले, लेकिन मक्का मुकर्रा और मदीना मुनव्वरा के पैगंबर अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। बता दें कि स्मृति ईरानी के इस दौरे और बयान के बाद मुसलमानों को बरगलाने वाली पार्टियां बिलबिलाई हुई है। वो टेंशन में है कि जिस बीजेपी को वो मुसलमानों का दुश्मन बताते थे, वही पार्टी देश के मुसलमानों को सौगात पर सौगात दिए जा रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बीजेपी देश के मुसलमानों के साथ खड़ी है। स्मृति ईरानी ने सऊदी जाकर शायद भारतीय मुसलमानों को यही संदेश देने की कोशिश की है। स्मृति के उठाए इस कदम पर या भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।